नमस्कार, स्वागत है आपका प्रयागराज कुंभ पर। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। कुंभ नगरी प्रयागराज में संगम किनारे लगने वाले आस्था के कुंभ के शुरू होने में अब कुछ ही समय शेष है। करोड़ों श्रद्धालुओं के त्रिवेणी के तट पर पहुंचने से पहले कुंभ के सबसे बड़े आकर्षण कहे जाने वाले अखाड़ों में तैयारियां जोरों पर हैं। साधु संतों का मानना है कि इस बार जहां कुंभ में आने वाले साधुओं की संख्या पहले की तुलना में कहीं अधिक होगी, वहीं यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का भी इस बार कीर्तिमान बनना तय माना जा रहा है। जहां अखाड़ों में व्यवस्था के लिहाज से पक्के निर्माण कराए जा रहे हैं, तो वहीं यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रवेश वाले मार्गों को भी वृहद रूप दिया जा रहा है। नगर में अखाड़ों के सदस्यों के आगमन से पहले कुंभ क्षेत्र में अखाड़ों के भूमि पूजन का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कुंभ नगरी प्रयागराज में आस्था के महापर्व कुंभ के आयोजन की तैयारियां तेज हो गई हैं। गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती की धारा के संगम के तट पर अखाड़ों के मंत्रोच्चार की ध्वनियां गूंजने लगी हैं। इसी सिलसिले में सबसे पहले श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के संतों ने कुंभ क्षेत्र में प्रशासन द्वारा आवंटित भूमि में अपना भूमि पूजन संपन्न किया। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के अध्यक्ष महंत महेश्वरा दास की अगुवाई में अखाड़े का भूमि पूजन किया गया। कुंभ मेला 2019 ये प्रयाग की पावन भूमि पर त्रिवेणी के तट पर लगने वाला है, तो उसी के अंतर्गत जब अखाड़ों की भूमि कट जाती है तो सबसे पहले प्रत्येक अखाड़ा अपने मुहूर्त निकलवा करके सबसे पहले जहां देवता विराजमान होते हैं और देवता का जो स्थान बनाया जाता है उसका भूमि पूजन होता है छावनी का। तो ये आज अखाड़ा परिषद के सभी माननीय सदस्यों की उपस्थिति में, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन ने भूमि पूजन किया है। और भूमि पूजन के उपरांत व्यवस्थाएं जो हैं वो प्रारंभ की जाती हैं। सभी कहाँ क्या करना है, कैसे बनाना है, तो वो भूमि पूजन जो है ये हमारा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है कि कोई भी निर्माण करना है स्थाई या अस्थाई तो उससे पहले भूमि का पूजन करना आवश्यक होता है, वही किया। जिस तरह किसी गृह के निर्माण के ठीक पहले उस भूमि का पूजन पूरे विधि विधान के साथ किया जाता है, उसी प्रकार कुंभ में अखाड़ों के प्रवास के पहले कुंभ क्षेत्र में जिस सुनिश्चित स्थान पर अखाड़े की छावनी बनी होती है उसका भूमि पूजन किए जाने की प्रथा है। इसी क्रम में सबसे पहले श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन ने कुंभ क्षेत्र में अपने अखाड़े का भूमि पूजन किया है। अब इसके बाद में छावनी का निर्माण होगा, सभी अखाड़े अपनी अपनी छावनियों का निर्माण करेंगे। क्रमशः अभी तो भूमि पूजन आज पहला प्रारंभ हुआ है, सभी अखाड़े अपना अपना भूमि का पूजन करेंगे, उसके बाद छावनियों का निर्माण होता है और फिर धर्म ध्वजा सभी अखाड़ों के मुहूर्त के अनुसार स्थापित किए जाते हैं। हमारे पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन का ध्वजारोहण जो है वो 8 जनवरी को है, उसके बाद पंच परमेश्वर को सम्मान पूर्वक और भेक भगवान संतों को सम्मान पूर्वक कुंभ मेले में प्रवेश दिलाने के लिए पेशवाई होती है, जिसे हम शोभा यात्रा कहते हैं। वो पेशवाई सभी अखाड़ों की अलग अलग तिथियों पर, हमारी पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की 11 जनवरी को प्रवेश आई है। उसके बाद फिर स्नानों का क्रम प्रारंभ हो जाता है और जो धार्मिक अनुष्ठान है, सत्संग है, प्रवचन है, और हमने 4 कथाएं भी रखी हैं यहाँ प्रांगण में। 4 भारत के महापुरुष आएंगे हमारे मंडलेश्वर, वो 4 भागवत की कथाएं भी करेंगे। नित्य शिव का अभिषेक होगा और नित्य जो है यज्ञ होना, ये सारी प्रक्रियाएं। और सबसे बड़ा
जो भी तीर्थ यात्रा में यहाँ आए उनके लिए भोजन की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, वो हम प्राथमिकता के तौर पर हम लोग करते हैं कि कोई भूखा ना जाए, कोई प्यासा ना। अखाड़ों के भूमि पूजन के बाद अखाड़े कुंभ क्षेत्र में अपनी छावनियों का निर्माण करना शुरू कर देंगे, जो कुंभ प्रशासन की तरफ से कराया जाता है। इसके बाद अलग अलग अखाड़ों में नगर प्रवेश का कार्यक्रम होता है, जिसमें अखाड़ों के महामंडलेश्वर और प्रमुख संत देश के अलग अलग हिस्सों से कुंभ आयोजित करने वाले शहर में प्रवेश करेंगे। नगर प्रवेश के बाद कुंभ क्षेत्र में भूमि पूजन वाले स्थान में अखाड़े अपनी विशाल धर्म ध्वजा की स्थापना करेंगे, जिसे दूर से ही देखकर लोग कुंभ क्षेत्र का ठिकाना पता कर सकते हैं। धर्म ध्वजा की स्थापना के बाद अखाड़े अलग अलग मुहूर्त में अपने नाम के अनुसार कुंभ क्षेत्र में गाजे बाजे के साथ अपने ईष्ट देव की प्रतिमा लेकर कुंभ क्षेत्र में दाखिल होंगे, जिसे पेशवाई या प्रवेशाई कहा जाता है। पेशवाई पूरी होने के बाद अखाड़ों में अनुष्ठान और सत्संग का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो शाही स्नान के पहले गति पकड़ लेता है। संगम के घाटों के आसपास फैले कुंभ क्षेत्र के अलावा प्रयागराज शहर के अखाड़ों के स्थायी मुख्यालयों पर अंदर भी कुंभ की आज में संगम किनारे लगने वाले आस्था के कुंभ के शुरू होने में अब कुछ ही समय शेष है। करोड़ों श्रद्धालुओं के त्रिवेणी के तट पर पहुंचने से पहले कुंभ के सबसे बड़े आकर्षण कहे जाने वाले अखाड़ों में तैयारियां जोरों पर हैं। साधु संतों का मानना है कि इस बार जहां कुंभ में आने वाले साधुओं की संख्या पहले की तुलना में कहीं अधिक होगी, वहीं यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का भी इस बार कीर्तिमान बनना तय माना जा रहा है। जहां अखाड़ों में व्यवस्था के लिहाज से पक्के निर्माण का राज में संगम किनारे लगने राज कुंभ का बड़ा महत्व है, इसलिए सब मिला के कहिए कि व्यवस्था ठीक चल रही है और कुछ काम बाकी हैं, वो व्यवस्था से पूरे हो जाएंगे। प्रयागराज में कभी ऐसा काम नहीं हुआ था अंदर, पहले कुंभ होता था और टेंट लगाया कुंभ को चला था, लेकिन जो इस बार अस्थाई कार्य हुआ है प्रयागराज में वह वास्तव में सराहनीय है, प्रशंसनीय है। समय कम था, एक साल का समय था, एक साल जो काम हो रहा है पूरा हो रहा है। फिलहाल सब मिला के कुंभ दिव्य होगा, अद्भुत होगा। अखाड़ों की तरफ जो हमारी परंपराएं हैं, पेशवाई सप्ताही के लोग कर रहे हैं, घोड़ा हाथी बैंड बाजे हैं, जो हमारी देखिए कोई भी कार्य हम परंपरा से हटके नहीं करेंगे, सारा मेला परंपरा पर आधारित है। परंपरा में रहित होकर के जितना अच्छा से अच्छा हो सकेगा वह अखाड़े वाले लगे हुए अच्छा मेला करेंगे। सभी अखाड़ों में कुंभ पर्व के लिए निर्माण कार्य चल रहे हैं, उसके निरीक्षण के लिए माननीय कमिश्नर साहब आए थे देखने के लिए, और कुछ काम अधूरे हैं वो हमने उनके मांग किया है तो उन्होंने नोट किया है, अब आगे वो जो करेंगे वो उनके ऊपर है। बाकी यहाँ संगत के लिए, पब्लिक के लिए हॉल बना है और ऊपर पूजा स्थल गुरुद्वारा बना है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की धारा यानी संगम के तट पर अखाड़ों के मंत्रोच्चार की ध्वनियां अभी से गूंजने लगी हैं, जो कुंभ के सबसे बड़े आकर्षण यानी अखाड़ों की तैयारियों का परिचय खुद ब खुद दे रही हैं। अखाड़ों में धर्म ध्वजा से लेकर इष्ट देवता की मूर्ति स्थापना तक सभी कार्यों को पूरे विधि विधान से किया जा रहा है, चाहे बात सुरक्षा की हो या फिर साधु संतों के विश्राम की। कुंभ के इस पावन मौके पर हर तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। देश विदेश से आने वाले करोड़ों संत महात्माओं के प्रवास को लेकर कुंभ प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है।